भारत में वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी ने किया चुनाव से पहले ऐलान, इंटर पास छात्राओं को देंगी स्कूटी और स्मार्टफोन। आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला गरमाया, संजय सिंह ने किया सीएम योगी पर वार, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बाराबंकी में आफत बनी बारिश, लगातार बारिश से नदियां उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को बधाई दी है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाइयां दी हैं, साथ ही कहा कि आज एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है, हमें मिलकर कोरोना को हराना है। पीएम ने कहा कि आज जब सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रही है तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। तो देश में 100 करोड़ टीकाकरण पार हो चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। देश को 100 करोड़ वैक्सीन सुरक्षा कवच मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये कहते हुए नजर आए। तो देश को 100 करोड़ वैक्सीन सुरक्षा कवच मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। आपको बता दें कि ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव SS संधु भी मौजूद थे। बता दें कि अमित शाह बुधवार को देर रात देहरादून पहुंच गए थे, वहीं आज वो आपदा प्रभावित स्थानों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जौली ग्रांट से देहरादून एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक लेंगे और दिशा निर्देश भी उन्हें दे सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता में है और इसी के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। तो हवाई सर्वेक्षण किया अमित शाह ने, किस तरह से तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा था, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, प्रदेश के विकास में कितना रोड़ा अटका है, इसको लेकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों से मुलाकात भी जल्द हो सकती है अमित शाह की। यूपी चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% से टिकट देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा कर दी है। जो यहाँ यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रदेश में सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, वहीं जो ग्रेजुएट हो चुकी छात्राएं होंगी उनको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दी जाएगी। यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कुछ छात्राओं से मिली जहां छात्राओं ने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है और मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन, स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान सामने आया। इससे पहले एक और ऐलान वो मंगलवार को कर चुकी हैं। वो ऐलान ये था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40% महिलाओं के टिकट का आरक्षण देने जा रही है, यानी कि 403 विधानसभा में से 161 विधानसभा सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जो इंटरपास छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। दरअसल प्रियंका गांधी ने फैसला इसलिए लिया है, प्रियंका का कहना है कि उन्होंने कुछ छात्राओं से मुलाकात की, कुछ छात्राओं से लगातार वो उत्तर प्रदेश की मिलती रहती हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक अमली जामा पहना दिया और अब इसका ऐलान कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 से 2021 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं और आज इस मौके पर मैं सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। तो शहीद पुलिसकर्मियों को योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम योगी पुलिस स्मृति दिवस का हिस्सा बनी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 से 2021 में इस कोरोना काल में जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको सम्मान दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां वो पहुंचे और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 से 2021 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करते हैं और पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं जो कि यूपी के बताए जा रहे हैं और आज इस मौके पर सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए बैरिकेटिंग को NH9 से हटाना शुरू कर दिया है। जी हां, ये ताजा तस्वीरें हमारे सामने। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हम बैरिकेटिंग हटा रहे हैं तो यानी कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाकर ये कहेंगे कि हमने दिल्ली वासियों को परेशान नहीं किया है, हमने दिल्ली वासियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा था। लगातार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, दिल्ली वासियों को कैद में रखा जा रहा है, आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यातायात में मुश्किलें होती हैं। तो ऐसे में अब किसान जो है कुछ जगहों पर बैरिकेटिंग्स हटाते हुए, टेंट हटाते हुए नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं यह संदेश मिला कि अब किसान यहां से हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां से हट नहीं रहे हैं, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे और बताएंगे सरकार को कि हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है। तो ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद, राकेश टिकैत मौजूद, तमाम किसान नेता यहां पर और जो किसान है वो यहां पर बैरिकेटिंग हटाते हुए नजर आ रहे हैं। NH9 ये बताया जा रहा है जहां से बैरिकेटिंग्स हटाना किसानों ने शुरू किया। इस दौरान राकेश टिकैत आग बबूला नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, वहां जाकर हम आंदोलन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे आंदोलन से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट लगातार किसान आंदोलन को लेकर सख्त नजर आ रहा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि दम घोटू आंदोलन है, अब लोगों का दम घुट रहा है इस आंदोलन से, इस आंदोलन को खत्म करना होगा, आंदोलन करने के लिए और भी जगह है, लेकिन इस तरह से किसी का रास्ता रोकना सही नहीं है। इस पर किसान लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है और आज बैरिकेटिंग हटाने की तस्वीरें सामने आई। तो ऐसे में देश में एक बार फिर से चर्चा गर्म है कि क्या किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किसानों ने बैरिकेटिंग्स हटाना शुरू किया, क्या कुछ ताजा तस्वीरें सामने हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो अपने दल के साथ पहुंचे हैं जो पहले से ही वहीं मौजूद थे, वो बैरिकेड को हटाना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो 7 लेयर में की गई है कि अगर वो एक को हटाएंगे फिर उसके बाद दूसरे लेयर पर जाएंगे, ऐसे ही करते उनको 7 लेयर तक जाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इन चीजों को देखकर लग रहा है कि किसान के जो आंदोलन लगातार जो ये चल रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरफ से इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी, तो जिसके बाद अब खुद लगता है कि किसान नेता निराश हो चुके हैं, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। जिस तरह से राकेश टिकैत के बयान सामने आए हैं, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां सरकार को बताएंगे कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, उनका ये कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे जहाँ ये कानून बने हैं, अब वहीं पर जाएंगे और वहां से ही अपनी अब धरने की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्या पूरी तरह से बैरिकेटिंग हटा दी गई है? दरअसल जितेंद्र, अगर बात की जाए तो एक तरह से रास्ता पूरी तरह से बंद था काफी महीनों से, क्या वो रास्ता आज खुल सकता है, ऐसा संभव है? जी देखिए, अभी जिस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल हुआ है उससे ये तो लगता है कि रास्ता साफ हो जाएगा,
लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है और एक तरफ गाजियाबाद पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इस बैरिकेडिंग को लगातार बनाया जा सके और इसको इस तरह से किया जाए कि ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, आराम से सारी बातें हो जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये हलचल हो रही है और इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं उस चीज को लेकर कि इस किसान आंदोलन को काफी तेज किया जाए। नहीं तो ऐसा पहला मौका नहीं है जितेंद्र, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है कि इस तरह की जो दम घोटू आंदोलन है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इस आंदोलन में बदलाव करने की जरूरत है। तो आगे क्या कुछ कह रहे हैं किसान, क्योंकि आपकी बात हुई होगी, आप लगातार फील्ड पर बने हुए हैं। जी देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो ये आया था कि कोई भी आंदोलन सड़कों पर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको एक जगह दी जाएगी, आप सरकार से बात कीजिए और यहाँ से हटने का आप रास्ता दीजिए। लेकिन उस पर तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कभी एक तारीख आती है फिर उसके बाद दूसरी तारीख आती है, लगातार सुनवाई जा रही है। आखिरी सवाल, क्या अब सरकार के पास जाएंगे राकेश टिकैत, बातचीत करेंगे कि वो आंदोलन कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि ऐलान तो कर दिया है कि हम दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे, लेकिन जगह भी तो अलॉट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जगह की अगर बात की जाए तो इनको पहले जगह के लिए पहले बोला जा चुका है। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने इनको कहा है कि आप आइए दिल्ली, आइए रामलीला ग्राउंड में आंदोलन कीजिए, लेकिन उस पर राकेश टिकैत का ये कहना होता है कि हम एक मैदान में आंदोलन करेंगे तो दुनिया हमको देखेगी कैसे, जनता हमको देखेगी कैसे, इसलिए हम सड़क पर हैं और सड़क पर ही रहेंगे। और अगर आगे की जानकारी बताई जाए, जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उनका कहना यह है कि नवंबर तक इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हैं, ये सूत्रों से मिली जानकारी है, जिसकी भी पुष्टि होने में समय लगेगा, यानी एक साल पूरा होने के बाद ये आंदोलन खत्म होता हुआ हमें नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर बारिकेटिंग हटाते राकेश टिकैत नजर आए, ऐसे में देश का ध्यान राकेश टिकैत की तरफ गया कि क्या वाकई किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि सूत्र ये बताते हैं कि नवंबर में किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सड़कों को पूरी तरह से बंद करना गलत है, आप एक जगह पर जाइए आंदोलन वहां करिए। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर वो रामलीला ग्राउंड में जाकर आंदोलन करते हैं तो देश का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो अभी भी सरकार और किसानों के बीच में जो गहरी खाई बनी हुई है वो भरती हुई दिखाई नहीं देती। मध्य प्रदेश के भिंड में गुरुवार को एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान भिंड के मनकाबाग इलाके में क्रैश हुआ है। वहीं इस हादसे में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने गुरुवार सुबह सेंट्रल सेक्टर में उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के बाद विमान में तकनीकी खराबी का अनुभव हुआ, जिसके बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित निकाल लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अचानक से कोई टेक्निकल इशू हुआ और इस वजह से ब्लास्ट हो गया और विमान क्षतिग्रस्त हो गया। एयरफोर्स का विमान मिग 2000 क्रैश हो गया है। राहत की बात यह है कि पायलट जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बुधवार को विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन समेत बाकी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे डाली। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, एनसीबी ये कहती है, लेकिन उसके दोस्त के पास से ड्रग्स मिले हैं। ऐसे में एनसीबी को शक है कि आर्यन ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हो सकता है। आर्यन की चैट से एनसीबी को काफी कुछ जानकारी मिली है। आर्यन के साथ बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस के साथ भी चैट सामने आए हैं, जिनका नाम अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी। इस चैट में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपे हैं उसमें आर्यन के साथ इस एक्ट्रेस के चैट भी शामिल हैं। समन भेजा गया है, 2 बजे के बाद उनसे पूछताछ हो सकती है अनन्या पांडे से। आर्यन के खिलाफ अभी तक एनसीबी की सभी दलीलें मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट पर आधारित हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आर्यन खान की जो 12th के सर्टिफिकेट हैं, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ताज
राजनगरी आगरा में पुलिस की ओर से कस्टोडियल मौत पर राजनीति अपनी पूरी तरह से प्रबलता पर है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा के मलखान में 25 लाख रुपए की बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें बाल्मीकि समाज के युवा अरुण बाल्मीकि को पुलिस ने शक के आधार पर उठाया और 19 तारीख को अरुण बाल्मीकि की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 20 तारीख को पुलिस ने बाल्मीकि की मृत्यु घोषित कर दी। वही इस पूरे मामले में पुलिस का यह तर्क है कि पूछताछ के दौरान बाल्मीकि की मौत हुई, जबकि मृतक अरुण बाल्मीकि के परिजनों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि अरुण बाल्मीकि को पूछताछ के दौरान जमकर मारा और पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वही मामला बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और आनन फानन में अरुण बाल्मीकि का पोस्टमार्टम करवा दिया है, जिसके बाद बुधवार को पूरे दिन ताजनगरी आगरा में अरुण बाल्मीकि की मौत का मामला गरमाया रहा। वही इस पूरे मामले में बुधवार को ताजनगरी आगरा का सियासी माहौल भी गरमाता हुआ नजर आया था और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पुलिस अभिरक्षा के मामले में पूरे भारतवर्ष में नंबर वन होती जा रही है। कानपुर में मनोज गुप्ता की मृत्यु के बाद आगरा में ये मामला हुआ। पुलिस पूरी तरह से निरंकुशता के साथ योगी सरकार के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है, यानी कि ये पूरा मामला सियासी अखाड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कटकुइया सतघरवा कांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कही है। बलरामपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सतघरवा कांड के आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जो आरोपी है उनकी संपत्ति भी अब जब्त की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिनांक 18/10/21 को हरैया थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण प्रकाश शुक्ला की हत्या की गई थी। उस हत्या के नामजद अभियुक्त गण राहुल, सतीश और जितेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ इनका सहयोग करने वाले दो अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है। इन पांचों अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जाएगा। इसके अलावा इन अभियुक्तों की जिन भी व्यक्तियों द्वारा हत्या में करने में मदद की गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर उनको न्यायालय भेजा जाएगा। अभियुक्त गणों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति जब्त की जाए। झुमका सिटी के नाम से मशहूर बरेली शहर में इन दिनों लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। बता दें कि बरेली को भले ही स्मार्ट सिटी का नाम मिल गया हो, लेकिन अभी तक ये स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है। जी हाँ, बरेली के सुभाष नगर स्वाति नर्सिंग होम के पास सड़क पर गड्ढा ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसमें बरसात के समय में पानी भर जाता है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। इतना ही नहीं, इस गड्ढे से कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। वहीं बरेली की बीडीए कॉलोनी में भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यहाँ सड़कों के गड्ढे आए दिन किसी न किसी घटना की वजह बनते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बरेली स्मार्ट सिटी, लेकिन कितनी स्मार्ट है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरदोई में एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं इस हादसे में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में दुकान बंद कर वापस घर जा रहा था, वहीं इसी बीच उसका शव सड़क पर पड़ा मिला। खबरों की माने तो युवक के सिर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई का यह पूरा मामला, सड़क पर युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये करीब 7:30 बजे सरोज कुमार पटेल हैं, इन उम्र करीब 35 वर्ष है। इनकी ये सूचना मिली थी कि ये सड़क पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और सर में पीछे हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो रही है। इसमें पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है
परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो भी उचित होगा अग्रतम कार्रवाई की जाएगी, और इसमें अगर किसी प्रकार का किसी का दोष होगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों को हत्या की आशंका जताई गई, अब परिजनों ने तहरीर दी है इस प्रकार की। कानपुर देहात में एक युवती लड़के के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। युवती का आरोप है कि लड़के ने उसके साथ 2 साल पहले चोरी छिपे शादी की थी। उसके बाद जब लड़के की सरकारी नौकरी लग गई तो उसने साथ रखने से मना कर दिया, साथ ही उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया, जिसके बाद युवती लड़के के घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। वहीं लड़के के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कानपुर देहात का एक पूरा मामला, प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी युवती, युवक के शादी से इनकार के बाद ये धरना दिया है युवती ने। इसमें शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। क्या क्या मामला हो गया था तुम्हारे साथ में? शादी करी है और मेरे पास प्रूफ नहीं है और वो मान ना रहा, वो पता नहीं है वो नहीं मान रहा या घर वाले नहीं मान दे रहे, वो मेरे सामने यान ना दे रहे। क्या नाम है लड़के का? शिवम सिंह। इसका बेटा है? राजेंद्र सिंह। कब हुई आपकी शादी उसके? नवंबर में। किस साल? 2020। आप क्या कह रहे हैं उनके घर वाले? या वो घर वाले का कहा, जो वो लड़का मेरे सामने आ रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है नहीं, वो आके बस बुला दो। आप यहाँ कब से बैठी हैं? कल से। कहाँ के रहने वाली हैं? हमारा सर मामला ये है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे भाई साहब की त्रयोदशी थी। उसी त्रयोदशी में हमारा नाती शिवम का नाम ट्रेनिंग पीरियड में अधिकारियों से छुट्टी लेके घर आया था, सिर्फ 1-12 घंटे के लिए। कब आया था? त्रयोदशी के दिन रात में आया था, परसों। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित बरसाना मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि बरसाना मार्ग पर एक कार ने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ा दी, वहीं गाड़ी में बैठे किसी भी सवारी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली के रहने वाले श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने आए थे, जो परिक्रमा करके वापस दिल्ली जा रहे थे कि तभी अचानक बरसाना रोड स्थित सरस्वती चौराहे पर बने डिवाइडर पर उनकी गाड़ी चढ़ गई। वहीं गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मथुरा का एक पूरा मामला, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ सोसाइटी में एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर एक युवती की गोली मारकर हत्या भी कर दी और घर में रखा सारा सामान लेकर चंपत हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस चोरी का खुलासा कर दिया है और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह रही कि इस वारदात को अंजाम किसी लुटेरे ने नहीं बल्कि मृत महिला की भाभी और भाई ने ही दिया था, और लूट करने के बाद महिला की हत्या भी कर दी। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के पिता से पूछताछ की और हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अभी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा में चोरी का खुलासा पुलिस ने किया, महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई। बताया जा रहा है कि भाई और भाभी ने वारदात को अंजाम दिया। ये रात्रि में थाना सूरजपुर के अंतर्गत तिलकता रोड पर एक सोसाइटी जिसका नाम पैरामाउंट गोल्फ विलास करके है, इससे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती की घर के अंदर डेड बॉडी मिली है। इस पर तत्काल फॉरेंसिक साइंस की टीम और अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, परिवारजनों से बात की गई। इसमें तथ्य इस प्रकार निकल कर आए, युवती की उम्र लगभग 28 वर्ष है और इसके माता पिता बाहर गए हुए थे, ये घर पर थी। तभी इसकी भाभी का जो भाई है, जो इनको जानता था और इनका आपस में बहुत दिनों से जो है संबंध थे, वो घर पर आया और उसके द्वारा जो है इसकी युवती की जो है हत्या कर दी गई। ईद मिलाद उल नबी के मौके पर बुधवार को जुलूस के दौरान नोएडा के सेक्टर 8 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अब इसको लेकर नोएडा पुलिस से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच कराई, जिसमें वीडियो सही पाया गया। बता दें कि वीडियो में पाया गया है कि जुलूस के दौरान लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, किसी बीच पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोला गया।
वहीं अब इसको लेकर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर 20 थाना में 12 वफात का एक जुलूस आयोजन हुआ था। उस आयोजन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हुए एक वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो को पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया है और एक एक्सपर्ट को भी दिखाया गया और उनका सलाह लेने के बाद प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना सही प्रतीत हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।